लमसम अमाउंट लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यहाँ पे खड़े हैं अगम कुआ में, इनको नहीं पता कि पांच साल का इसका परमिट बनता है, बालू लोड है इसीलिए रोका गया है। जब जब व्यापारी रोएगा तब तब हम नहीं सोएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने योरवॉइस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करना चाहते हैं, आप गाड़ी लाइन में आना चाहते हैं और जिसके अंदर खास तौर से गिट्टी और बालू की गाड़ियां अगर बिहार में चलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिए कि क्या वीडियो है और कितना एक ट्रांसपोर्ट वाला कमा पा रहा है, एक गाड़ी मालिक कितना कमा पा रहा है। इतना ज्यादा करप्शन है पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का, डीटीओ का, एमबीआई का, खनन विभाग का, कि आपका गाड़ी चलाना मुश्किल कर दिया इन्होंने। लोग अपनी जमीनें बेच बेच के अपने गाड़ियों का किस्त भर रहे हैं, वो कंडीशन हो गया है बिहार के अंदर गाड़ी वालों का। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। जो लोग इस बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहते हैं, तो इस बिजनेस में एंटर करने से पहले इसकी सारी समस्याओं को समझिए। एक आप लमसम अमाउंट लेके यहां पर इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और क्या क्या परेशानियों को आप सामना करना पड़ेगा, इन सारों को देखते हुए उसके बाद ही इस बिजनेस में एंटर करिएगा। सर इधर आइए ना, आइए आइए इधर, रुकिए, कैमरा चल रहा है ना। हाँ सर इधर आइए, आप गाड़ी को एक डेढ़ घंटे से आप रोक के रखे हुए हैं, क्या कारण है? मुंडी मत घुमाइए, आपको बताना होगा। आज आज इधर आइए, इधर आइए, आप बताइए। पहले कैमरा चालू रखें, इनके चेहरे पे लेके चलिए, ये कौन है पुलिस वाला? पिछले दो घंटे से गाड़ी को खड़ा करके रखे हैं, क्यों रखे हुए हैं आप? क्यों रखे हुए हैं आप बताइए? आप कैमरे के सामने खड़े हैं, आपको बताना होगा कि आपने क्यों गाड़ी को खड़ा करके रखा है दो घंटे से। कौन सा परमिट फेल है? आप पढ़े लिखे ना, आप ट्रैफिक में है ना, आप ट्रैफिक में है ना, क्यों रोका गया है मेरे को? फिर क्यों रोका गया मेरे को? मालिक फोन करता है कि मेरा गाड़ी रोक दिया गया है, सारा मेरा कागज है, क्या कारण है? आपने क्यों रोका गाड़ी को? पुल पर जाने से लिए, इसीलिए बुलाइए, बुलाइए उसको, कौन है गाड़ी का कौन सा कागज फेल है? पुल पर जाने के लिए कहा है, रोके हैं या नहीं रोके? पुल पर जाने के लिए आप नहीं रोके? देखिए आप लोग हैं यहाँ पे, आप बोले कागज फेल है, कौन है बुलाइए, कौन है, कौन रोका? आप रोके ना, कौन रोका था? यही रोके, यही ड्राइवर को थोड़ा फोन कर बुलाइए। आप लोग क्यों रोके हैं गाड़ी को ये बताइए? पुल पर इधर से भाग जाता है, इधर से हिल जाता है ये। मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ, ड्राइवर को बुलाता हूँ, रुकिए रुकिए, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ, रुकिए ना, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ अभी। आप झूठ बोलेंगे, एक घंटे से गाड़ी खड़ा है, फोन पे सारा मेरे पास डाटा है उसका, रुकिए रुकिए। पेपर फेल है? हेलो, पेपर फेल है? ड्राइवर साहब, अरे गांव है, ड्राइवर साहब इधर आइए, और ड्राइवर हेलो, और हम बोल रहे हैं, खड़ा कर गाड़ी, गाड़ी खड़ा कर वहीं पे, गाड़ी खड़ा कर, कौन बोला जाने के लिए? इधर आओ, इधर आओ, नीचे उतर के क्या क्या बात हुआ, इधर आओ, इधर आके बताओ, इधर जल्दी गाड़ी खड़ा करो, इधर आओ, मैं करता हूँ अभी क्लियर। पैसे चाहिए ना आप लोग को? पैसे से सब छूटता है, तब गाड़ी जा देंगे। हाँ हाँ, 1000 रुपए हम दिलवाते हैं आप लोग को, किस चीज आप लोग को रूल रेगुलेशन पता है? इस गाड़ी का कितने साल, सुनिए एक बार बताइए, इस गाड़ी का कितने साल का परमिट होता है? परमिट के लिए मालिक साले दो घंटे से मेरे को फोन कर रहा है कि सर देखिए मेरा गाड़ी का सारा कागज अपडेट है, यहाँ पे गाड़ी को रोक के दो घंटे क्यों आएंगे? आप कौन है? आप कौन है? सब इंस्पेक्टर है? सब इंस्पेक्टर है ना? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यहाँ पे खड़े हैं अगम कुआ में, इनको नहीं पता कि पांच साल का इसका परमिट बनता है। आप लोग रोक के गाड़ी को पैसे के लिए, बालू गाड़ी इधर से पुल पर चढ़ा देता है, इसीलिए आप गए पुल पे गए आप? आप बोलिए, क्या क्या बोल रहे, बोलिए अभी बोलिए, आप खड़े ना यहाँ पे कैमरे के सामने बोलिए, आप बोलिए यहाँ पे नहीं है, सुनिए ना, तबियत खराब है अभी, गाड़ी कैमरा को देख के, कैमरा देख के तबियत खराब हो जाता है। देखिए वो ड्राइवर आएगा, सच्चाई बताएगा, 1000 रुपए लेंगे तो छोड़ेंगे गाड़ी। कौन कौन बोले? आप बोले 1000 रुपए चाहिए ना? हाँ हाँ, गलत काम ना हम करते हैं, ना करने देंगे। पटना में सारा हालत खराब कर दिया आप लोगों ने, पब्लिक का अपने हालत खराब किया। बोलिए ना, बोलिए, हम कहला परमिशन के बोले, पिछले दो घंटे से आप रोक के रखे हुए हैं, कैसे करेगा? लो एंट्री जब खत्म हो जाएगा तब, 4 बजे से गाड़ी रोके हुए हैं, 4:30 पब्लिक इतनी गलत नहीं है यहाँ पे, हम बोल रहे हैं, हम गलत काम मत करिए, समझ गए? ये देखिए पैसा लेते हुए क्या करिएगा उस पैसे का? अरे अपने बीवी बच्चों क्या आप लोग चाहते हैं देना? कितना पैसे का कमी हो गया? सरकार तनख्वाह नहीं देती आप लोग को, सबका एक ही हाल है। आप
सब इंस्पेक्टर है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, क्या हुआ इधर आओ, इधर ड्राइवर साहब इधर आओ, क्या बात हुआ? पैसा मांगे है जी। हां 1000 रुपए मांगे है। झूठ मत बोलो। 1000 रुपए मांगा है ना? क्या मांगा है? कौन मांगा है? ए ईमान से बोलो यार, पैसा कोई मांगा है? वो मांगा रहे थे मेरा। ए यार झूठ मत बोलो। पिछले 2 घंटे से गाड़ी क्यों खड़ा था यहां पे? 2 घंटे से गाड़ी क्यों खड़ा यहां पे? मैं ये पूछना चाहता हूं, 2 घंटे से क्यों गाड़ी खड़ा है? क्या गलत है? 1 रुपया क्यों गलत है? क्या गलत है? ऐसा काम मत करिए, यहां पे खड़े होकर समझ लो। हां सर। हां बोलिए। बालू लोड है इसीलिए रोका गया है, उसका दिखाएंगे सब चीज कागज पत्र अपना। हाँ हाँ देख लीजिए ना, कोई बात नहीं। इसमें ना है ऐसी क्या नहीं है? परमिट बोरा फेल है। कौन से चीज का परमिट फेल है? गाड़ी का है? गाड़ी का कौन सा परमिट फेल है? परमिट ना रहता, कौन सा परमिट सर? लोकल परमिट लोकल कह रहे हैं, लोकल परमिट बनता है आपको? कौन है? लोकल मांग रहा है, बढ़िया नेशनल मांग रहा है, दिखा दीजिए। लोकल का सब परमिट है ये तो, कैसी है ना? ₹1526 लेकर है सर। गाड़ी कैसा है? हमारा गाड़ी का दिखाई ना, इंडिया जीरो वन। मैंने पहले देख लीजिए कैसा रहता है, क्या बता रहे हैं? हमारा गाड़ी का चेक कीजिए ना, उसको ठीक है गाड़ी साइड में लगा दो। बोलते क्यों बोलते गाड़ी को तुम साइड में लगा दो, बोलो मालिक आ रहे हैं, साइड में लगा दो मालिक आ रहे हैं, बोलो। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर भी करिए चैनल को, और सब्सक्राइब करके बढ़ाइए मेरा हौसला, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।